हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। दादरी शहर की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, साथ ही अपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में शहर में नगर परिषद की ओर से लगाए गए ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं, जिसके चलते शहर की सुरक्षा राम भरोसे चल रही है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए नगर परिषद अब 4 करोड़ की लागत से 16 सीसीटीवी लगाने की बात कह रही है। इससे पहले व्यापार मंडल ने 9 जगह पर सीसीटीवी लगाए थे, लेकिन इन कैमरों का लाभ पुलिस प्रशासन को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कैमरों की क्वालिटी खराब होने का कारण पुलिस को अपराधी की पहचान करने में परेशानी होती थी। लेकिन अब कैमरे लगने के बाद पुलिस प्रशासन को आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने में आसानी होगी। नगर परिषद एक्सीएन सुंदर शिवराण ने बताया कि कैमरों की मॉनिटरिंग पुलिस प्रशासन द्वारा की जाएगी और कंट्रोल रूम लघु सचिवालय में बनाया जाएगा। जहाँ तक कैमरे लगाने की बात है, वो अंडर प्रोसेस है सारा प्रोसीजर। और जो मेन चौराहे हैं, जितने भी मेन चौराहे हैं, चौक हैं, या फिर ऐसी कोई पब्लिक प्लेस वाली जगह है जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, या बैंकों का एरिया है जहाँ ज़्यादा 2 या 3 4 इकट्ठे बैंक हैं, वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाएँ और वो सारा